महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने 10 सितंबर यानी आज भारत बंद का ऐलान किया हुआ था, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। वहीं भारत बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं सहित कांग्रेस समर्थकों ने व्यापारियों और दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद कर सहयोग की अपील की। बता दें, कांग्रेस के भारत बंद का मिला जुला असर अम्बाला में देखने को मिला। जहां अम्बाला शहर में कांग्रेस का बंद पूरी तरह विफल रहा, तो कैंट में सोमवार की छुट्टी की वजह से बंद कामयाब रहा। अम्बाला में कांग्रेस ने अलग अलग गुटों में प्रदर्शन कर भारत बंद को कामयाब बनाने की कोशिश की। अम्बाला कैंट में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों से समर्थन की अपील की। पूरे देश में आज हाहाकार रहने महंगाई का रोना रोया करती थी, महंगे होकर जूस के निकालते थे, क्योंकि दाल के नाम पर कुछ पेट्रोल के नाम पर। हमारा इतनी कहना है लोगों को याद दिलाने के बाद, जब दूसरे की सरकार थी मनमोहन सिंह जी से सब मार्केट में जो है 40 तरीके गई। अम्बाला में महिला कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेणु अग्रवाल के अगुवाई में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री निर्मल सिंह व महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता वेणु अग्रवाल ने कहा कि लोग इस बंद से जागरूक होंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए लोगों के सामने सच्चाई लाने का काम कर रही है। देखिए, सरकार एक नारा लेकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इस जुमले पर विश्वास करके जनता ने मोदी सरकार को मौका दिया इस देश को विकास के लिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि आज क्या हाल हो रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, और हर तरह से महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी तो उतनी उन्नति कर रही है कि मोदी जी तो आबाद हो रहे हैं लेकिन हमारी जनता बर्बाद हो रही है। क्या इसी जुमले को लेकर उन्होंने देश के साथ झूठ बोलकर अपने आप को राष्ट्रवाद कहा था, अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, किस बेस पर वो अपने आप को कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, इस देश का विनाश करने में सबसे आगे हैं और बात करते हैं विकास की, और आज पेट्रोल गैस और रुपया तीन जो विकास के बेटे, वो बोलते हैं कि वो तीनों उनके बस में नहीं है। ये खुद मोदी जी कहते हैं कि आज हमारे हाथ में नहीं है, ये बढ़ रहे हैं तो वो उनके हाथ में नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज जनता ने मोदी सरकार को चुनकर जो इस देश के लिए लेकर आई थी, उसने देश को इतने साल पीछे धकेल दिया है, इतना विनाश देश का किया है कि बाहर देशों की सैर करके, देशों को तो वो और देशों में तो हमारा पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं और हमारे भारतवासी उसी पेट्रोल को 87 रुपए, जबकि कांग्रेस के टाइम में जब कच्चे तेल की कीमत ज्यादा हुआ करती थी तो भी पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम 77 गई थी, लेकिन आज जब पेट्रोल कच्चे पेट्रोल की कीमत उससे भी कम है जो कांग्रेस के टाइम में थी, तो पेट्रोल की डीजल की कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं कि जनता बहुत त्रस्त है, त्राही त्राही मची हुई है, चारों ओर विनाश है, नाम लेते हैं विकास का लेकिन उन्होंने इस देश का सर्वनाश करके रख दिया। इस दौरान कांग्रेसी जुलूस की शक्ल में सड़कों पर निकले और रोष प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को बढ़ती महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के प्रति जागरूक किया। इंडिया एक्सप्रेस के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।